इस मामले पर हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर जुड़े हैं देवकी नंदन ठाकुर, जो कि भगवत कथा के मर्मज्ञ भी हैं। और देवकी नंदन जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म कहता है, कहा घटे गयो हरि को जो भृगु जी मारे लात। इतनी छोटी सी चीज के ऊपर एक मामला है, एक मंत्री है, एक व्यक्ति के कहे जाने से सनातन धर्म जैसा, जिसका आदि अनंत नहीं है, जो चिरंतन है, उसका नुकसान की बात कही जा रही है। सियासत इसमें आप देख रहे हैं या वाकई में आपको लगता है कि ये एक तोड़ने की साजिश है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये प्लानिंग के तहत हो रहा है और ये देसी प्लानिंग नहीं है, ये विदेशी प्लानिंग। जैसे आज जितना मैं इनके विषय में जान पाया हूँ, इनके विषय में, इनके पिताजी के विषय में, इनके दादा के विषय में जितना मैं जान पाया हूँ, ये सनातन से नफरत करने वाले लोग, और ये वो लोग हैं जो सनातन को जानते तक नहीं है। इन्हें सनातन का साथ ही नहीं पता होगा, जो सनातन उल्मूलन सभा कर रहे हैं जा जाके। ये कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो वो कौन सा फंक्शन हो रहा था, उस फंक्शन का नाम क्या था? उस फंक्शन का नाम था सनातन उल्मूलन फंक्शन। तो सनातन उन्मूलन मतलब सनातन को मिटाने वाला जो कार्यक्रम हो रहा है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद भी अगर आप वहां गए हैं तो जी, ये तो ये प्रमाणित हो रहा है कि आप किसके लिए गए वहां, और आपका बयान उस कार्यक्रम के तहत ही दिया गया है। सोच समझ के आप पूरा प्लानिंग करके रीड करके गए हैं, बाकायदा बयान अपना लिख के गए हैं। तो सनातन को मिटाने का काम जो आप कर रहे हैं और मिटाना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे मैं किसी पॉलिटिशियन के ऊपर ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई पॉलिटिकली इससे लीड करे, पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सनातन को मिटाने का प्लान रावण ने किया था, नहीं मिटा पाया। कंस ने किया था, नहीं मिटा पाया। हिरण्यकश्यप ने किया था, नहीं मिटा पाया। शिशुपाल, दंत वक्र, न जाने में कितने नाम गिना सकता हूं इतिहास में। इवन मुगलों ने भी हमें मिटाने का काम किया, कर रहे थे वो, उनका भी प्लान था कि हमें मिटा दें। और तो और अंग्रेजों ने भी हमें मिटाने के लिए, यहाँ की सोशल जो आजकल मॉडर्न एजुकेशन है वो अंग्रेजों की तो दी हुई है, वो सनातन को तो मिटाने के लिए छोड़ के गए हैं। पर ईमानदारी से बताओ, क्या ये लोग, इनके दादा मुख्यमंत्री रहे, इनका पिताजी मुख्यमंत्री है, ये खुद मंत्री है, क्या आज तक सनातन को मिटा पाए? सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। पर इसीलिए तो देवकी नंदन जी कहा जा रहा है कि सनातन जो है वो तो अनादि है, अनंत है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की सभा कर भी लेता है तो रामेश्वरम की धरती वाले तमिलनाडु के में किसी तरीके की आंच तो वहां नहीं आने वाली। फिर इस पूरे मामले को लेकर जैसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर आपको नहीं लगता कि इसके अंदर सियासत ज्यादा हो रही है? हमें सियासत नहीं, हमें संविधान, अगर हम देश में रह रहे हैं तो संविधान का सम्मान करना पड़ेगा ना। तो संविधान तो किसी के धर्म का अपमान करने की बात नहीं, उन्मूलन करने की बात कहता है क्या संविधान? संविधान किसी के भी धर्म का उन्मूलन करने का अधिकार देता है क्या? तो क्या इस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बैठा रखा है, एक प्रदेश का मंत्री है, क्या ये व्यक्ति जिसे उदय कह रहे हैं ना, उदय निधि, ना तो ये उदय है ना निधि है, ये अस्त है, ये उदय नहीं है, ये अस्त है, क्योंकि इसकी विचारधारा अस्त है, ये निधि नहीं है, ये अनिधि है, निधि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सनातन का ऐसे इन्होंने जो बयान दिया है, इसे संविधान का सबसे बड़ा अपमान हुआ है, डॉक्टर साहब का, भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। तो संविधान का अपमान करने के बाद बिल्कुल देवकी नंदन जी इसी चीज का वो तर्क दे रहे हैं। देवकी नंदन जी, जिस तरीके से मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, आपने अंबेडकर जी का जिक्र किया, दरअसल उदयनिधि स्टालिन भी यही दलील दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं पेरियार से लेकर अंबेडकर तक के तमाम लेखों के आधार पर कह रहा हूं कि जो कुछ मैंने कहा वो दरअसल सनातन धर्म की जाति व्यवस्था के खिलाफ है और मैं जाति व्यवस्था का विरोधी हूं, और इसी के विरोध करने के लिए जो कुछ उन्होंने कहा वो उसको जायज ठहरा रहे हैं। आपको क्या लगता है? वो नाजायज विचार वाले हैं और नाजायज बात करते हैं, और नाजायज विचार उन्होंने ये जो बयान दिया है, सनातन धर्म उन्मूलन है, जाति उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था वो, जाति उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था वो, सनातन उन्मूलन विचार प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने ये बयान दिया है। तो अब वो अपनी बात को ढकने का प्रोग्राम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। मैं एक बात और जो मैंने सुना, हालांकि मेरा कोई भाव नहीं है ऐसा बोलने का, पर फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा। जितने भी इस ये जो महानुभाव की पार्टी है, इस महानुभाव की पार्टी से जो लोग इंडिया संगठन एक जुड़ा है कोई, मैं आप सबको बधाई देता हूं, भगवान आपको खूब सफल बनाए। लेकिन जिसने सनातन धर्म का अपमान किया है, सनातन को मिटाने वाले प्रोग्राम में गया है, संवैधानिक पद पे होते हुए भी जो संवैधानिक संविधान का अपमान कर रहा है और सनातन को मिटाने वाले प्रोग्राम में जाके संविधान को मिटा, तो क्या बोल रहे हैं?
ये क्या है, मच्छर है, मक्खी है, मलेरिया है, ये बयान बोलना ये बोलने लायक है क्या? आप एक स्टेट के मिनिस्टर होके किसी भी धर्म को मलेरिया बोलोगे, आप मच्छर बोलोगे और फिर आइए कहेंगे कि ऐसा नहीं था। मैं कहता हूं जो इंडिया संगठन है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप सबसे, आप सब इस व्यक्ति की पार्टी से या तो इग्नोर करें, इसे अलग हटाएं, या फिर इसके बयान पर कहें कि हम इसके साथ हैं। अगर इसके साथ हैं तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम लोग तो फिर बैठे हैं। आप जो चाहो करो, आप बड़े लोग हो भाई, आप लोग नेता लोग हो, हम लोग सिर्फ सनातनी वोटर ही तो है, इसके अलावा और क्या है। अगर आप इससे सहमत नहीं है तो इसे गठबंधन से तुरंत बाहर करें, जिससे आगे भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपमान करने का मन भी न बना सके। देवकी नंदन जी, चूंकि आप इसे आस्था का मामला बता रहे हैं कि आपको लगता है संत समाज जो कि पूरे देश भर में फैला हुआ है, तमिलनाडु में भी संत समाज के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, क्या इस मामले को लेकर कोई कानूनी प्रक्रिया भी संत समाज इसमें अपना सकता है? बिल्कुल करना चाहिए, संवैधानिक, इन्होंने संविधान का अपमान किया है। अभी मैं आप ही के चैनल के माध्यम से अगर इनको अपने बयान पर थोड़ी भी शर्म है और थोड़ा भी इनको सॉरी बोलने का मन कर रहा है तो अपने संवैधानिक पद से इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि पिताजी मुख्यमंत्री हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होनी, तो सनातन का सम्मान करते हो तो कम से कम इस्तीफा दे दो। अगर ऐसा इस्तीफा नहीं होता है तो हम अभी आपको प्लान कर रहे हैं कि संत समाज को इकट्ठा किया जाए और फिर इनके खिलाफ जो भी कानूनी तौर पे जो संवैधानिक अधिकार हमारे पास हैं, जिन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया, उसमें जो भी हो सकेगा हम अवश्य वो स्टेप उठाएंगे और इन्हें बताएंगे कि सनातन हिंदुस्तान सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आप तो संत समाज से जुड़े हुए हैं, आपकी चर्चा भी हुई होगी इस बयान के आने के बाद, संत समाज के भीतर किस तरीके की प्रतिक्रिया है, किस तरीके का क्रोध आप कहा जा सकता है, किस तरीके की नाराजगी आपको देखने को और सुनने को मिली इस बयान के बाद? बहुत भड़के हुए लोग हैं। इन लोगों की हिम्मत नहीं है, जो 14-14 लड़कियां आके है इनकी जिंदगी के आगे माथा टेक रहे हैं, 14-14 लड़कियां आके टीवी पर बयान देती है और वो 14 दिन में रिटायर हो जाते हैं। इनको पूछो जाके कि ऐसे लोगों के आगे माथा टेकने वाले लोग जब सनातन का अपमान करने का प्लान करते हैं या ऐसा बयान देते हैं तो 100 करोड़ सनातनियों को डायरेक्ट ठेस पहुंचाते हैं। वो सब दुखी हैं, बहुत जल्दी आपको देखने को भी मिल जाएगा। ये सभी संत महात्मा, जितने कथाकार, जितने प्रवचनकार, जितने भी श्रोता, जितने भी कृष्ण राम की शिव की पूजा करने वाले लोग, ये सब इस बयान से दुखी हैं। और ये अभी मॉडर्न है ना भाई, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, ऐसा तो इनको अभी पता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, पर इनको पूछिए जाके, इनको बताइएगा, पूछिए नहीं बताइएगा, हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। राम को मिटाने वाले लगता है कि ये सत्ता के मद में दिया गया बयान है। ऑब्वियसली सत्ता में नहीं होते तो इनकी हिम्मत नहीं होती ऐसा बोलने की, साहस नहीं होता, इनको पता है कि पुलिस हमारी है, इनको पत्थर हमारा है, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री है, इसलिए कुछ भी कर डालो, कुछ भी थोड़ी चलेगा इस देश में, संविधान से ही चलेगा ना, सभी लोग संविधान का पालन करते हैं, तो ये तो सरासर संविधान का अपमान है। देखिए मैं एक बात जानता हूं, आजकल इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या प्रारंभ हुई है और एक सोच डेवलप हुई है कि सनातन को गाली दो तो आप बड़े नेता बन जाओगे, बड़े बड़े महाराज फिर आपके ऊपर बयान देंगे। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ये हुआ है ना, अभी भी हुआ है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में एक नेता है, उसने रामायण जलवाई, रामायण का विरोध किया, फिर रामायण जलवाने के बाद भी उसका हृदय नहीं भरा तो उसके बाद में क्या नाम है, वो फिर कह दिया कि हिंदू धर्म ही नहीं है, बोल दिया। अब रोक लो उसे, क्या करोगे आप, क्या कर लोगे, बोल दिया उन्होंने, अब कुछ नहीं होगा। तो वो कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना होगा, तो वो इस लाइन पे जा रहे हैं, हिंदुओं को गाली दो, भगवान को गाली दो, रामायण को जला दो, ये कर दो, तो कम से कम टीवी चैनल पे डिबेट हो जाएगी, हमारा नाम फैल जाएगा। अब ये कल का बच्चा जिसे ये नहीं पता कि दूध कैसे पिया जाता है, दूध के दांत अभी टूटे नहीं है, और ये सनातन को जलाने के लिए जाके बयान दे रहे हैं कि सनातन को मिटा दो, थोड़ी बहुत भी बुद्धि है कि नहीं? ना तो संविधान की रिस्पेक्ट है, ना उस पद की रिस्पेक्ट है, पॉपुलैरिटी के लिए सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि चर्चाओं में बने रहे। मैं बात तो यही है ना, बड़ा नेता बनना है तो सनातन को ही गाली दे दो। अगर इतने ही अच्छे हैं तो चलो ठीक है, तुम एक धर्म को ही मानते हो ना, सनातन से तुम्हारी नफरत है ना, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा भी पौरुष्य है, आज मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर तुम्हें थोड़ा भी पौरुष्य है इस व्यक्ति में तो सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़ के अन्य धर्म के विषय में इतना बोल के दिखा दे कि उसे मिटा देना चाहते हैं, अगर माँ का दूध पिया तो बोल के दिखा दे, इतना सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़ के बोल दे
हिंदू धर्म पे इसलिए बोल देते हैं क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं होता भाई उस पे एक्शन ही नहीं होता। बोल के दिखा देने मुस्लिम धर्म पे थोड़ा सा, बोल के दिखा दो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, बोल के दिखा दो कुरान के ऊपर। चाहे मुख्यमंत्री का बेटा है सुरक्षित नहीं रहेगा, कमरे में बैठना पड़ेगा इसे। यानी ये सरदयता का या जो उदारता है उसका का बेजा इस्तेमाल है ये कहना चाह रहे हैं? उदारता नहीं, मैं हिंदुओं से, मैं सनातनियों से एक बात कहूंगा, भैया घर में घुस के लोग मार रहे हैं तुम्हें, रामायण तुम्हारी जला रहे हैं, भगवान को गालियां दे रहे हैं, सनातन को मिटाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, और तुम सनातन बैठ के ओम जय जगदीश हरे घर में बैठ के कर रहे हो ना, और 10-15 साल ऐसे ओम जय जगदीश हरे करते रहे ना, घंटी बजाते रहे। आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को कह रहा हूं, पछताओगे, खून के आंसू रोओगे। इसलिए अब अपने सनातन धर्म की रक्षा करने की बारी है, अपने धर्म के लिए खड़े हो, अपने धर्म के लिए आवाज उठाओ, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने की प्लान करो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो सिर्फ धर्माचार्यों पे दोषारोपण मत करो। जो व्यक्ति नेता है, इसीलिए तो कानून व्यवस्था और संविधान की बात हो रही है ना, कानून व्यवस्था और संविधान के तहत क्या संत समाज इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहा है, क्या कोई शिकायत दर्ज कराई गई है इस मामले को लेकर? मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं क्योंकि हर व्यक्ति कानून अपने हाथ में कतई न ले, और इसीलिए बात हो रही है कि इसके पर कानून व्यवस्था के तहत क्या कार्यवाही होनी चाहिए, आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए मैं कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूं महोदय, मैं आपके चैनल पे, मुझे पता है मैं टीवी नेशनल जी न्यूज पे बैठा हूं, नेशनल चैनल है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको देखते हैं। मैं कोई संविधान को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूं, कानून को हाथ में लेने की नहीं, ये नहीं कर रहा हूं लट लेके निकल जाओ, लेकिन मैं आपके चैनल पे आके आवाज उठा रहा हूं ना, ये मेरा अधिकार है कि नहीं जी? मैं अपना अधिकार प्रयोग कर रहा हूं कि नहीं? वैसे ही हर व्यक्ति जिनका मैं नाम लिया, नेता हो, जज हो, वकील हो, एडवोकेट हो, पत्रकार हो, बिजनेसमैन हो, वर्कर हो, जहां हो वहां से अपने सनातन धर्म की रक्षा करने की आवाज उठानी चाहिए, और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। मैं एनडीए से, जो इंडिया शायद इंडिया बना है, क्या बना है वो इंडिया जो बन गया, उससे भी निवेदन करूंगा कि उसे अपने संगठन से इनको बाहर कर देना चाहिए। अगर 100 करोड़ सनातनियों का सम्मान वो उनके मन में है। बड़ी और महत्वपूर्ण बात करें देवकीनंदन जी, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा इस बात पे, क्या आपका ये, आपकी ये मांग है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डीएमके को बाहर करना चाहिए क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने इस तरीके का बयान दिया, क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? अगर 100 करोड़ हिंदुओं की आप इज्जत करते हो, मंदिरों में जाने का साहस करते हो, माथे पे तिलक लगाने का साहस करते हो, जनेऊ पहनने का साहस करते हो, कलावा बांधने का साहस करते हो, अगर कंठी पहनने का साहस करते हो, तो एक प्रदेश में एक पार्टी को निकाल दोगे तो तुम्हारा संगठन कमजोर नहीं मजबूत होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं उद्धव ठाकरे जी इसमें है, अखिलेश जी इसमें है, और तमाम ऐसे संगठन है जिनकी मैं बहुत दिल से आदर करता हूं। तो अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आपका संगठन होगा तो पब्लिक मूर्ख नहीं है भाई, पब्लिक मूर्ख नहीं है, पब्लिक सब जानती है कि वोट के लिए आप किसी का भी संगठन, किसी को व्यक्ति को नहीं रख सकते संगठन में। तो इस पार्टी को तो कम से कम डीएमके को तो निकाल ही देना चाहिए संगठन से। ये हमको लग, मैं पर्सनल अपनी सोच है कि मेरे लिए तभी सनातन का ये सभी सम्मान कर पाएंगे जी। Z News.